का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे रुका था। तो उसके बाद अभी निकल रहा हूँ कुछ फ्रेंड्स आए ये करने के लिए, फ्लैग ऑफ करने के लिए। तो मेरे साथ तन्मय है, परेश है, प्रथमेश है। तो उन लोग फ्लैग ऑफ करने आए मुझे। उसके बाद यहाँ से निकलूँगा अराउंड 600 किलोमीटर्स का ये किया मैंने, प्लान किया। लेट्स सी कितना जाएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग अभी ऑलमोस्ट कसारा पहुँचने वाले हैं, कसारा घाट लगेगा आगे से। सो टाइम हो रहा है 6:20, 4:30 को मैं निकला था थाने से। एक्चुअली 4:45 को मैं घर पे से निकला था, तो फ्लैग अप करने के लिए कुछ फ्रेंड्स आए थे तो थाने रुका था। ओके, तो थाने रुकने के बाद फिर मैं निकला अराउंड 4:40 को निकला, तो ऑलमोस्ट 1.5 hours हो गया पहुँचते। सो अच्छा, सो फार सो गुड। कुछ 130 किलोमीटर पहले हूँ, छोटा सा स्मॉल ब्रेक लिया था एंड स्मॉल ब्रेक वाटर ब्रेक लिया था थोड़ा। अभी गाड़ी इधर रखी है, थोड़ा पानी वानी पी लिया और अभी निकलते थोड़ी देर में, 5 मिनट में। यहाँ पे पानी वानी पिया मैंने, यहाँ पे निकले थे, निकल रहे अभी। कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, सो फार सो गुड। रोड्स भी अच्छे हैं, सोचा था रोड्स अच्छे नहीं होंगे पर रोड्स अच्छे हैं, क्वाइट अच्छे। एक जगह दिखानी है आपको, ये देखो, जैसे और अराउंड अभी 200 किलोमीटर के बाद मैंने रोकी थी। अभी देखते धूले में जाके रुकता हूँ थोड़ी देर, एक 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा गाड़ी का इंजन थोड़ा ठंडा होने तक। चलो फिर मिलते हैं। Thank you.
नदी देखो यार, एक नंबर नदी है, बड़ा है भाई। बहुत बड़ा नदी है यार। अभी हम लोग गाइस ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास आ चुके हैं, इंदौर अपना एमपी बॉर्डर। यहाँ तक का सफ़र अच्छा था, मज़ा आया। एंड दो ब्रेक्स लिए, नींद आ रही थी इसके लिए थोड़ी कॉफ़ी मारी, कॉफ़ी का ब्रेक हुआ। अभी खाना खाएंगे, थोड़ा इंदौर के पास नज़दीक आएंगे तो खाना खा लेंगे अपन। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:15, ऑलमोस्ट अच्छे से कवर किया है मैंने। स्कूटी में अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, सब ठीक ठाक है, मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। बस ये गर्म हो रहा है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। फाइनली सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड एमपी बॉर्डर, महाराष्ट्र एंड एमपी बॉर्डर, धुले हाईवे उसका टोल है। यहाँ से एमपी चालू हो जाता है, तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ तक आने के लिए एक 4:30 में निकला था, सो ऑलमोस्ट अभी 12:30 बज चुके, तो कैलकुलेट करके मुझे ऑलमोस्ट 7-8 घंटे लगे यहाँ पे आने के लिए। पर ठीक है, मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग के लिए, सिर्फ गर्मी का प्रॉब्लम है, बाकी सब मज़ा आ रहा है। अभी नेक्स्ट स्टॉप है अपना इंदौर, यहाँ से इंदौर है 19 to 20 किलोमीटर है कुछ, सो इंदौर में रुकेंगे, कुछ खाएंगे, या फिर इसके पहले भी रुकना पड़ेगा, भूख तो लगी है, ज़्यादा हैवी भी खाना नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग करो और डिहाइड्रेशन हो सकता है और नींद बहुत ज़्यादा सकती है, कुछ ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। ओके चलो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज एमपी बॉर्डर क्रॉस करके। तो यहाँ से है 189 किलोमीटर्स इंदौर, सो हमें इंदौर नहीं जाना है, हमें जाना है देवास जाना है हमको, इंदौर नहीं जाना है। सो इंदौर के आगे है देवास, तो लेट्स सी, देवास शायद से 150-256 किलोमीटर है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ओके आप तब तक व्यू एंजॉय करो। सो गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट इंदौर इज 175 किलोमीटर फ्रॉम हियर, आगरा 810, इंदौर 174, शिवपुरी 570, थैंक यू वी सेड अगेन, एक नंबर है। देखो पहाड़ पे कुछ दिख रहा है आपको वहाँ पे, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है यार, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है ये मंदिर देखो। एक नंबर, चारों तरफ हरियाली और बीच में शायद से मस्जिद है वो, हाँ मस्जिद है और यहाँ पे मंदिर है। लंच किया है मैंने और यहाँ पे मैं निर्मल पैलेस फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट में आया था, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, दाल तड़का और बस अपनी थोड़ा राइस खाया क्योंकि पेट भरना था, बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था।
सो लेट्स गो, रोड पे मिलता हूँ फिर आपको।